जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक एस्पायरेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हम लोग बात करेंगे जुलाई के महीने में आने वाले 6 बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जिसमें कि आपको 90,000 से अधिक पोस्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। एक एक करके चलिए समझते हैं इन सभी पोस्ट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे IBPS क्लर्क के बारे में। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, जिसके लिए IBPS क्लर्क के माध्यम से आप एंट्री कर सकते हैं। IBPS क्लर्क की वैकेंसी अभी फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, जो कि 1 जुलाई से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा 21 जुलाई तक। तो दोस्तों देखिए, अभी भी आज अगर देखेंगे तो आज 9 जुलाई है, आपके पास पर्याप्त समय, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी है ये 6100 प्लस वैकेंसी है, तो आप देखिए कितनी बड़ी वैकेंसी है, 6000 से ज्यादा वैकेंसी यहां पर देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं इसमें एज क्राइटेरिया क्या होता है। अगर एज की बात करेंगे तो इसमें जो फॉर्म फिल करने का एज है ये 20 से 28 वर्ष है ना, और इसमें जो एज रिलैक्सेशन है OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल वो देखने के लिए मिलेगा। और इसमें फी की अगर बात करेंगे तो देखिए ₹850 फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, जनरल OBC और EWS के लिए ₹850, वहीं पर SC ST के लिए ₹175 की फीस है। तो ये देखिए, आपको डेट पता चल गया कब से फॉर्म फिल किया जाएगा, वैकेंसी कितनी है, एज क्या है, इसमें फी पेमेंट कितनी होगी, ये आपको पता चल चुका है। इसके बाद और भी समझते हैं कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसके सेलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो इसमें देखिए IBPS क्लर्क की जो वैकेंसी होती है इसमें 2 स्टेज में सेलेक्शन होता है, एक होता है प्री जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके बाद होता है मेन्स, मेन्स के बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्शन होता है। देखिए बैंकिंग की एग्जाम ऐसे एग्जाम होती है ना कि अगर आप कम समय में एग्जाम में सफल होकर के जॉब प्राप्त करना चाहते हो तो बैंकिंग सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसका क्या सर्कल एकदम क्लियर होता है। अगर मान लीजिए आपने आज ठान लिया कि हमको 1 साल के अंदर नौकरी लेना है, तो सबसे बेहतरीन फील्ड है आपके लिए बैंकिंग। बैंकिंग में आज आप फॉर्म फिल करेंगे, 1 साल के अंदर आपका रिजल्ट होगा और 1-2 महीने के आगे आपकी ज्वाइनिंग आपके हाथ में होगी, और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी देखने के लिए मिलेगी, 45-50 के आसपास की सैलरी मिलेगी। तो IBPS क्लर्क की 6100 प्लस वैकेंसी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, आप यहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तब। दूसरे नंबर पे देखिए SSC CGL, SSC CGL को भाई कौन नहीं जानता है ना, ये पूरी तरीके से आपको ऑफिसर बनाएगा, ऑफिसर लेवल की पोस्ट यहाँ से आपको मिलेगी है ना। इसमें देखिए इसकी जो SSC CGL के जो फॉर्म्स है ये फॉर्म्स भरे जा रहे हैं ना, आज 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, 24 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन देखिए, ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, ग्रेजुएशन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी जो फी है ये फी है ₹100 में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें एज की बात करेंगे तो 18 से 32 वर्ष है नॉर्मल, और इसके बाद जो ओबीसी SC ST को जो यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलता है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप ऑफिसर रैंक की पद प्राप्त करेंगे। जैसे देखिए इसमें कौन कौन से पद मिलेंगे, CBI हो गया है ना, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया है ना, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मतलब पोस्ट होते हैं यहाँ से भरे जाते हैं। देखिए ये काफ़ी तगड़ी तगड़ी पोस्ट यहाँ से भरी जाएगी दोस्तों, काफ़ी खतरनाक पोस्ट है, और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी होती है, 55,000 प्लस की सैलरी आपको शुरुआत में देखने के लिए मिलेगी। तो SSC CGL भी एक बेहतर ऑप्शन है, आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, देखिए SSC MTS है ना, CGL के पास MTS के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो कि भरे जाएंगे 31 जुलाई तक, 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है, ये भी याद रखिएगा। इसमें भी फॉर्म भरा जाएगा ₹100 में है ना। तो इसके पोस्ट की अगर बात करेंगे तो इसके पोस्ट यहां पर हैं अप्रॉक्सीमेट 8,000 के आसपास यहां पे वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और शायद पीछे मैंने CGL की वैकेंसी कितने इतने नहीं बताया, तो मैं देखिए CGL में 17,700 प्लस वैकेंसी, इसे याद रखिएगा, ये वैकेंसी शायद मैं पीछे भूल गया था। MTS में 8,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 10, अगर आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो इसमें एज 18 से लेकर के 25 और कुछ पद के लिए 18 से 27 तक यहाँ पर एज मांगा गया है, ये भी अच्छी खासी पोस्ट है। 10वीं के लेवल पे यहाँ पे सेलेक्शन होगा, सैलरी 25,000 प्लस आपको देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी बेहतर पोस्ट है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब के तलाश में तो यहाँ पर ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। SSC MTS के बाद देखिए आगे का जो पोस्ट है, यहाँ पे देखिए
रेलवे एनटीपीसी, जैसा कि रेलवे ने अनाउंस किया कि वैकेंसी आएगी, तो देखिए एनटीपीसी में लगभग 20,000 प्लस वैकेंसी आएगी, ये याद रखिएगा 20,000 प्लस वैकेंसी होगी जो कि जुलाई महीने में आपको देखने के लिए मिल सकती है। ऐसा कहा गया है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। देखिए अगर एनटीपीसी का फॉर्म आएगा तो इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे 12 पास या फिर ग्रेजुएशन, दोनों कैटेगरी के होंगे। अब इसमें जो एज होगा, देखिए अगर जो 12वीं के लिए एज की बात करेंगे 18 से 30 साल तक होगा, और वहीं पर ग्रेजुएशन के लिए अगर एज की बात करेंगे तो 18 से 33 वर्ष तक के स्टूडेंट्स यहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो फी होती है, फी हो जाएगी ₹500, आपको फॉर्म फिल करने में ₹500 देने होंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें से ₹400 आपके रिटर्न हो जाते हैं। कब रिटर्न होंगे? जब आप एग्जाम अटेंड करेंगे तब। अगर आप एग्जाम नहीं अटेंड करते तो ये आपका पेमेंट रिटर्न नहीं होगा। तो ये भी एक तगड़ा पोस्ट है, रेलवे में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद देखिए रेलवे के बाद आगे का जो पोस्ट है यहां पे BSF HC, मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसकी भी वैकेंसी प्रस्तावित है, जल्दी इसकी वैकेंसी आएगी, 1500 प्लस वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, है ना। इसमें एज 18 से 25 तक है, 18 से 25 के अंडर के जितने भी कैंडिडेट होंगे यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए और भी कौन सी ऐसी तगड़ी पद है, देखिए इसके बाद तो ऐसा पद है ना जो आप बिना एग्जाम दिए ही सेलेक्ट हो जाएंगे, इंडियन पोस्ट GDS, है ना, ग्रामीण डाक सेवा की जो वैकेंसी है ये अप्रॉक्सीमेट 33,000 प्लस वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। इसमें जो सिलेक्शन होता है ना, देखिए इसका कोई एग्जाम नहीं होता है ना, इसमें बिल्कुल एग्जाम नहीं होगा, है ना, इसमें कोई इसका सिलेबस नहीं, आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसका सिलेक्शन होता है 10वीं के मेरिट पर, 10th में जो आपका मेरिट है, मेरिट के बेसिस पर यहां पर सिलेक्शन होगा, है ना। और इसमें एज की बात करेंगे तो एज 18 से 40 तक इसमें अलाउ है, और इसमें फॉर्म फिल करने का फीस लगता है ₹100। तो ये देखिए तगड़ी कुछ ऐसे फॉर्म रहे जो आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब देखिए ना, आप इसमें एक से अधिक फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे देखिए अगर मान के चलिए GDS के पद की बात करेंगे तो 33,000 हो जाएगा। इसके बाद CGL में देखिए 17,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा, MTS में 8,000 वैकेंसी है, IBPS क्लर्क में 6,000 प्लस वैकेंसी है ना। इस तरीके से देखिए ना कितनी ज़्यादा वैकेंसी, अगर NTPC की वैकेंसी आएगी तो 20,000 आसपास की वैकेंसी आएगी, तो आप सब जोड़ेंगे तो 90,000 से लाख के प्लस में वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब इसमें अगर आप एलिजिबल है तो एक से ज्यादा फॉर्म भी आप फिल करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि कोई एक ही फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए जो एलिजिबल है CGL का भी फॉर्म फिल करेगा, MTS का भी फॉर्म फिल करेगा, तो भाई IBPS का भी फॉर्म फिल करेगा, तो आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि मतलब फॉर्म फिल करेंगे पढ़ाई कहां से होगी, तो पढ़ाई करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सिर्फ PCS एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाते थे हम लोग, है ना। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जितने भी कोर्सेज होते थे ये सिर्फ PCS एग्जाम के लिए हुआ करता था, लेकिन स्टूडेंट्स के भारी डिमांड के लिए अब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वन डे एग्जाम में भी एंट्री कर रही है। तो वन डे एग्जाम में आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा ज्ञान सर एजुकेशन, ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे। इस पर अभी वर्तमान में यूपी पुलिस कांस्टेबल के कोर्सेज चल रहे हैं जिसकी फीस मात्र ₹100 में, आप ₹100 में ना पुलिस कांस्टेबल की पूरे सिलेबस को प्राप्त कर सकते हैं टू द पॉइंट, एकदम लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से। और आने वाले समय में MTS, CGL, बैंकिंग और जितने भी वन डे एग्जाम होंगे सबके कोर्सेज वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।